हेलो फ्रेंड्स, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गर्मियों में पसीने की बदबू को हटाने के उपायों के बारे में। दोस्तों, गर्मियों के मौसम में सूरज की तेज़ धूप हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बॉडी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से शरीर के सूक्ष्म छिद्रों में से पसीना आने लगता है। पसीने से उत्पन्न बैक्टीरिया की वजह से बदबू आती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसे घरेलू उपायों के बारे में जिनका इस्तेमाल करने से आप अपने पसीने की गंध को दूर कर सकते हो। किसी प्रकार की बदबू को दूर करने के लिए वो घरेलू उपाय काफ़ी फायदेमंद रहते हैं। आप दोस्तों नॉर्मल रूप से सेंट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन उसका कुछ नियमित समय ही होता है। 1 घंटे के अंदर उससे वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता है, दोबारा से शरीर से बदबू आने लगती है। तो दोस्तों, मैं आपको घरेलू उपायों के बारे में बताता हूँ कौन कौन से घरेलू उपायों का इस्तेमाल करके आप लंबे समय तक अपने शरीर के पसीने की गंध को दूर कर सकते हो। दोस्तों, सबसे पहला उपाय है फिटकरी का इस्तेमाल। फिटकरी का उपयोग अक्सर लोग शेविंग के बाद करते हैं, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल गर्मियों में होने वाले पसीने से दुर्गंध से छुटकारा पाने के लिए भी किया जाता है। फिटकरी के अंदर एंटीसेप्टिक गुण होते हैं जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म करने का काम करते हैं। बैक्टीरिया के ख़त्म होने से पसीने की दुर्गंध अपने आप दूर हो जाती है। आप नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी मिलाएं, इससे आप रोजाना नहाएं, किसी भी प्रकार की दोस्तों दुर्गंध आपको होगी नहीं। इसके अलावा आप पसीने की दुर्गंध को हटाने के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करें। गर्मियों में पसीने की वजह से बदबू को दूर करने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। यह एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर रहता है। इसका इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रकार से पसीने की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको तीसरा उपाय बता देता हूँ, नींबू का इस्तेमाल। नींबू का इस्तेमाल आप करके आप किस प्रकार से अपने पसीने की गंध को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपको क्या करना है, 1 बड़ा चम्मच नींबू ले लेना है। नींबू का रस आप 1 बड़ा चम्मच ले लें, इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाना है। दोनों को आपको पेस्ट बना लेना है। इस पेस्ट को आप अपने अंडर आर्म पर लगाएं, 5 से 7 मिनट तक सूखने दें। सूखने के बाद आप इसे साफ़ कर लें। पसीने की बदबू से छुटकारा पाने के लिए कुछ सप्ताह तक इसका नियमित रूप से इस्तेमाल करें। यह सभी प्रकार के पसीने की दुर्गंध को दूर करने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों, आप कपूर का इस्तेमाल कर सकते हैं या कपूर के बने हुए तेल का इस्तेमाल करें। कपूर के तेल के इस्तेमाल से आप किसी भी प्रकार की बदबू को दूर कर सकते हैं। कपूर के तेल के अंदर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो पसीना से उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया को ख़त्म करने में मदद करते हैं। इसके लिए आप नहाने के पानी में 1 चम्मच कपूर का तेल मिलाएं, इससे आपको नहाना है। कुछ दिनों के अंदर ही इस्तेमाल से आप बहुत ही जल्दी अपने इस पसीने की दुर्गंध को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा एक और उपाय है, वो है सेब का सिरका। सेब के सिरके के इस्तेमाल से भी आप अपने शरीर के पसीने की गंध को दूर कर सकते हो। आप 1 बाल्टी पानी के अंदर 1 से 2 चम्मच सेब का सिरका मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा 1 कटोरी के अंदर सेब का सिरका ले लें। इसको दोस्तों आप रुई से भिगो लें। रुई को आपको अंडर आर्म क्षेत्र पर लगाना है। आप इस उपचार से रात में सोने से पहले आप इसका इस्तेमाल करें। 1 से 2 दिन के अंदर ही आपको पसीने की गंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पसीने की वास को दूर करने के लिए आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंधा नमक शरीर के विषाक्त पदार्थों को दूर करने में मदद करता है। यह शरीर के अंदर पसीने की मात्रा को कम करने में भी मदद करता है। इसलिए दोस्तों, इसके अंदर मौजूद जो सल्फर एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं वो पसीने की दुर्गंध को दूर करने में, बैक्टीरिया को ख़त्म करने में आपकी मदद करते हैं। आपको इसका उपयोग किस तरह करना है बता देता हूँ। इसके लिए आपको 1 कप सेंधा नमक की आवश्यकता होगी। आप अपने नहाने के पानी के अंदर नमक को मिलाएं, इस पानी से स्नान करें। आपको नहाने के पानी में सेंधा नमक का उपयोग हर दूसरे दिन करना है, इससे आपके पसीने की गंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, पसीने की गंध को दूर करने के लिए टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। टी ट्री ऑयल का उपयोग प्राकृतिक एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा टी ट्री ऑयल एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर रहता है, जो कि त्वचा के अंदर मौजूद बैक्टीरिया और फंगाई जैसे तत्वों को दूर करने में आपकी मदद करता है, जिससे पसीने की दुर्गंध को कम करने में मदद मिलती है। इसके लिए आपको टी ट्री ऑयल की 2 छोटे चम्मच तेल की आवश्यकता होगी। आप टी ट्री ऑयल के 2 चम्मच पानी के अंदर मिलाकर मिश्रण कर लें। आप रुई के सहारे भी इस तेल को अपने अंडर आर्म्स पर लगा सकते हैं। शरीर को दुर्गंध को दूर करने के लिए यह नियमित रूप से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो आपके पसीने की दुर्गंध हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। फ्रेंड्स, यह थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, इसलिए दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आप हमारे इस चैनल आयुर्वेद एंड मेडिसिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।
दोस्तों, अगर आप हमें कुछ सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट जरूर करें। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी। दोस्तों, हमारी यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।